भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ईश्वर सिंह ठाकुर नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नामांकन पश्चात हुई मतगणना में ईश्वर ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात देकर जीत हासिल की है। ईश्वर ठाकुर के विजय होने पर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जय श्री राम के नारे भी गूंजते रहे। बड़ी संख्या में यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और ईश्वर सिंह ठाकुर का स्वागत किया। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। जनता की जीत, मेरे पूरे जामुल के जितने नगरवासी है सबका भरपूर आशीर्वाद और उनका स्नेह मिला। मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आने वाले समय में मैं पूरा युवाओं के लिए और सभी के लिए ऐसा काम करके दिखाना चाहता हूँ कि जो जामुल की जनता के हित में हो। और आज मैं इस मुकाम में हूँ। मेरी इस मुकाम में पहुँचने का सबसे बड़ा श्रेय मेरी आदरणीय मेरी नेता जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे को मिला है, दीदी सरोज पांडे जी, उनका आशीर्वाद, मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष जी भाई साहब डहरे जी, सत्येन भैया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे लोग हैं, वर्तमान में जिला अध्यक्ष जी वीरेंद्र साहू जी, राकेश भैया जी, जिनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मेरे को मिलता रहा है। मैं इनके सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में जामुल के लिए विकास की गाथा लिखने का कोशिश करूँगा। यहाँ की जनता मुझे विश्वास दिया उसको छुपाऊंगा। कोशिश होगी, कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, इनका कार्यकाल पूरे जनता देख चुके हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब आने वाले विधानसभा में यहाँ की जनता देगी, ये मेरा विश्वास है। राजनीति सफर में बूथ अध्यक्ष से शुरुआत किया हूँ और दीदी सरोज पांडे का आशीर्वाद मुझे है और निरंतर मैं धीरे धीरे करके बूथ स्तर से युवा मोर्चा भैया सत्य सिंह के साथ मेरे आदरणीय अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, उनका सानिध्य मिला मेरे को और राकेश भैया, सारे तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आज हमें गर्व होता है कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त। देखिए, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार और जो यहाँ माहौल बना था ये बीजेपी के पक्ष में था। पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक कार्यकर्ता को, प्रथम बार जीते हुए कार्यकर्ता को अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता थे बहुत दिन से, ये एक परिणाम मिला। और जो कांग्रेस के जो कार्यकाल है वो बिल्कुल जनता ने अस्वीकार किया है, उसका परिणाम है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत गया है और हमारे कार्यकर्ता जो है पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। दुर्ग नगरीय निकाय में 4 नगरीय निकाय में चुनाव हुए, 3 जगह बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये तो बड़े लोग समीक्षा करें, जो हमारे जिला और प्रदेश स्तर के जो नेता हैं ये उनको समीक्षा करना चाहिए। चूँकि मेरा स्तर इतना बड़ा नहीं है, मैं जामुल के संदर्भ में जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ शुरू से ही भाजपा के प्रति लोगों का एक रुझान था और वो आज आपको दिखने को मिला है।